अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं चैनल सुभान तेरी कुदरत पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको तीतर की जो चोंच बढ़ जाती है उसके तीन आसान इलाज बताऊंगा, तीन आसान हल बताऊंगा कि आप उसकी चोंच जो बढ़ जाती है वो आप किस कैसे सेट कर सकते हैं और वो क्यों बढ़ती है, ये भी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आपको सही से समझ आ सके। तो दोस्तों, तीतर की जो चोंच बढ़ती है सबसे पहले वो ऊपर वाली चोंच बढ़ती है, नीचे वाली चोंच उसकी नहीं बढ़ती, जो ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उसकी जो चोंच होती है वो काटनी पड़ती है। दोस्तों, वो ऊपर वाली बढ़ जाती है, अक्सर तीतरों को मसला आ जाता है। दोस्त, अब आप पूछते हैं कि तीतर की चोंच बढ़ गई है तो उससे क्या हाल है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि ये मसला क्या है। कुछ दोस्त समझ लेते हैं कि हमारा तीतर को कोई बीमारी है या कोई मसला है, ऐसा कोई बात नहीं है। तीतर को जब दोस्तों कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है तो तब उसकी चोंच जो है वो ऊपर वाली बढ़ जाती है, ये आप अपने जहन में बिठा लें। तीतर को जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी चोंच बढ़ जाती है और उसको कोई मसला नहीं होता दोस्तों, कोई बीमारी नहीं होती। तो उसका हल क्या है दोस्तों, उसको तीन हल हैं दो आसान हल, तीन आसान हल हैं दोस्तों। जिनके तीतर डरते हैं उनके लिए बेस्ट हल ये है दोस्तों कि वो अपने तीतर को दाना जो है ना वो नीचे से जो कपड़ा होता है तीतर के तल पे होता है पिंजरे के, वो हटा दें और उसके नीचे उसे 8-10 दिन उसे नीचे बाजरा डाल दें फर्श पे। जब वो फर्श पे बाजरा डालेंगे तो फिर वो चोंच से खाएगा तो उसकी चोंच लगेगी और ख़ुद ब खुद वो आगे से टूट जाएगी। तो दोस्तों, जहन में रखें कि टूटेगी सिर्फ वो जो बड़ी होगी, जो उसकी बकाया चोंच होगी ठीक वो नहीं टूटेगी, जो सिर्फ बड़ी हुई होगी वो आगे से टूट जाएगी। एक तो हल है आसान हल, जिनके तीतर डरते हैं हाथ में पकड़ने से वो ये हल कर सकते हैं, नीचे उसको 8-10 दिन उसे नीचे फर्श पे बाजरा खिलाएं, वो इंशाल्लाह उसकी चोंच आगे से जो बड़ी होगी टूट जाएगी। दूसरा हल दोस्तों ये है कि आप जब तीतर को मिट्टी दें ना तो मिट्टी के नीचे आप खुले से बर्तन में आप दें मिट्टी, उसके नीचे आप 1-2 ईंटें रख दें, उसके ऊपर पतली पतली जो हल्की हल्की मिट्टी होती है ना इतने उसके ईंटों के ऊपर डाल दें। आप जब उसके ऊपर तीतर को अपने को छोड़ेंगे तो वो भी मिट्टी पे जब चोंगे मारता है मस्ती करता है तो नीचे ईंटें होंगी उसके ऊपर उसकी चोंच लगने की वजह से, तब भी उसकी जो फालतू चोंच बड़ी हुई होगी वो टूट जाएगी। दूसरा दोस्तों आसान हल है ये है, और जिन भाइयों के तीतर वगैरह डरते शरते नहीं हैं, बिल्कुल उन हाथ में पकड़ लेते हैं उनको कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल उनके तीतर सेट हैं, तो उनके लिए एक आसान जल्दी और बेहतरीन हल ये है कि वो नेल कटर जो होती है तीतर को आराम से हाथ में पकड़ें, डरे वगैरह ना, तो वो नेल कटर से आगे से उसकी चोंच जो है वो काट दें। तो ये बहुत आसान हल है, ये तो फौरन हो जाता है दोस्तों। लेकिन जो पहले दो हल हैं वो बाजरे वाला और मिट्टी वाला दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो ये तीन हल हैं दोस्तों तीतर की चोंच बढ़ने के, आपको ये तीन आसान से हल मैंने बताए इस वीडियो में, तो इनमें से आप जौन सभी आसानी से कर सकें हल, वो आप अपने तीतर के साथ कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लें क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।